नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आज हम उपस्थित है ग्राम पंचायत रामपुर शाहपुर में ब्लॉक चंडोस, और हमारे सामने उपस्थित है यहाँ के प्रधान जी। सबसे पहले मैं प्रधान जी का छोटा सा परिचय जानना चाहूंगा। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चमन अली जी। सनाफ शेर मोहम्मद जी। प्रधान जी, ग्राम पंचायत रामपुर शाहपुर जी, ब्लॉक चंडोस। प्रधान जी, आपको आपके गाँव वासियों ने कितने मतों से विजय किया? 105 मतों से। प्रधान जी, विकास को लेकर के मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि आप इस समय कौन सा कार्य करा रहे हैं? इस टाइम स्कूल में काम चल रहा है जी। एक मैंने पार्क का काम छेड़ रखा है जी, जो आज फोन की बड़ी खुशी हुई है। वीडियो सामने भी बोला जी कि गाँव में जिम भी लगा सकते हैं जी, चरागाह में या ग्राम सभा की जगह में जी पार्क बना सकते हैं, फिर बच्चों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जी। तब उस गाँव को भी जारी है मेरा, तो करता हूँ पहले से ही, लेकिन आज मेरे को परमिशन परमिशन मिल गई तो मेरे को दिल खुश हुआ कि वो काम मैं कर सकता हूँ जी। और एक पुस्तकालय बनाने की बात करिए तो वो पुस्तकालय भी पंचायत घर में बनाऊंगा जी। प्रधान जी, गाँव में विद्यालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ पर? विद्यालय की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उसे अभी मैं उसकी बाउंड्री वाल करा रहा हूँ, लेकिन अभी नीचा है उसमें भी पानी भर जाता है जी। लेकिन मैं तोड़ के बनाने कहा तो यही ने मना कर दिया कि जब वो टूट कर नहीं बन सकता, उसकी बाउंड्री वाल वगैरह कर लें जी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया काम करूँ जी। उसमें टाइलिंग का काम चला है और बाउंड्री वाल बनाई जा रही है उसकी जी 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 जी। बहुत अच्छी। प्रधान जी, आपको विकास के मामले में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और गाँव वासियों को किस समस्या से ज्यादा जूझना पड़ रहा है इस टाइम? सबसे ज्यादा समस्या तो पानी जल निकास की है जी। जल निकास रोड पे भरा हुआ है जी। और उसमें के स्कूल के पास एक जोड़ है जो ग्राम वासियों ने अपना कब्जा बताते कि मेरी जमीन है, जब वो है ग्राम सभा की जमीन जी। ना उसमें एसडीएम साहब सुन रहे, ना बीडीओ साहब सुन रहे, मैंने दोनों को एप्लीकेशन भी रखा है जी कि अगर आप नाप के देंगे तो मैं उसका तालाब बना दूं जी। अभी तक जोड़ और हमारे गाँव का रोड एक हो रहा है, उसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बारिश होगी तो कोई मोटरसाइकिल लेके तो गाड़ी लेके उसमें घुस गया ना, तो उसमें बड़ा हादसा हो जाएगा जी। फिर अधिकारी ये कहेंगे कि हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया, मैंने जब का लिखित में कर रखी है कि पानी का निकास का सबसे पहला काम होना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। उसके लिए अधिकारी ही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैंने बोल रखा है फिर भी नहीं सुनवाई जी। प्रधान जी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, आप अपने अधिकारियों से क्या मांग रखते हैं? मैं अपने अधिकारियों से मांग रखता हूँ सबसे पहले जी पानी की जल निकासी हो सबसे, क्योंकि बरसात आने वाली है, उसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है, मकान भी गिर सकते हैं, क्योंकि पानी का जल निकास बिल्कुल भी नहीं है गांव का। जो सरकारी पुलिया थी उसको भी बंद कर रखा है भूमाफियों ने जी। अगर उसे फुलवानी कहते हैं तो वो गाली देते हैं, वो कहते हैं कौन आएगा उसे फुलवाने वाला, कौन प्रधान है, कौन खोलेगा पुलिया जी। सुधा जी, भूमाफिया क्या दबंगई से ये काम चल रहा है? हाँ जी, दबंगई से फोन करके भी दबंगई दिखाते हैं कौन सा आता है, कौन खोल के दिखाता है, पुलिया की धमकी देते हैं जी। तो प्रधान जी, इसकी शिकायत आपने थाने में या कहीं पे तहरीर दी आपने? हाँ बिल्कुल, थाने में दे रखी है मैंने तहरीर इसकी। तो पुलिस वालों ने क्या काम रखा? पुलिस वालों ने तहरीर भी नहीं कर रखी, कुछ नहीं कैसे देखेंगे। तो प्रधान जी का कहना है कि इनको दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन वाले इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन को ऐसी रख लिया, कोई कार्रवाई नहीं जी। प्रधान जी, यही बात है, बिल्कुल यही बात है, पानी आप मौके पर देखो, पानी इतना भरा हुआ है और जिस दिन बारिश होगी कोई बड़ी घटना घट सकती है, अपनी घटना घट सकती है, मकान में जाओ तो अगर मकान में दो लीटर पानी भर जाएगा, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है, अगर पानी का भरता पूरा जी जी, जो सरकारी पुलिया बनी थी उसको बंद कर रखा जी जी जी। प्रधान जी, प्रधान जी, कोरोना काल में जैसे मैं बात करना चाहूंगा आपसे, ये तीसरी लहर आने वाली है, तो वैसे तो आपके गाँव की जो स्थिति है वो ज्यादा ठीक नहीं है, सफाई का भी कार्य जो है, सफाई कहाँ से होगी जब जल भराव की समस्या ज़्यादा है? अगर इसके दौरान भी बात करना चाहूँगा मैं आपसे, तो कोरोना को लेकर के आप अपने गाँव वासियों को किस तरीके से जागरूक करें, कैसे समझा रहे हैं आप लोगों को? कोरोना के बारे में लोगों से दूरियाँ बनाने के लिए कहा गया, दवा भी बटवाई है साल के थ्रू, मास्क बांटे गए, ये कोरोना की कोई एमरजेंसी अपने घटना नहीं है जो हमारे गाँव में कोरोना खत फैलाओ, भगवान के द्वारा बड़ा ठीक कर रहा है। और कोई संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? संदेश सबसे पहले तो आज निचले अधिकारियों से भी कि सबसे पहले पानी की जल निकासी का इंतजाम करें, नहीं तो कोई अपने घटना घटती तो फिर ये कहेंगे पिटाली कर पिटाल क्या करें, पीडब्ल्यूडी की सड़क है उसमें सड़कों में पानी भरा हुआ है, वो आपने भी देखा जी जी, पीडब्ल्यूडी की सड़क में बन नहीं सकता, बनाने को हो नहीं सकती जी, पानी निकासी कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले समझ रहे पानी की सफाई का बात करो तो मैं कर रहा हूँ, सरकार बहुत काम करवा रही है, उस काम करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन पानी की जल निकासी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पानी की जल निकासी का कार्य कराए जी।
तो सबसे ज्यादा ये प्रधान जी का कहना है कि हमारे यहाँ पर जो समस्या है वो जल निकासी की है। मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन को प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि एक बार यहाँ आकर के संज्ञान में लें। काफी स्थिति गंभीर है इस गांव की। प्रधान जी ने गांव में सैनिटाइजर भी करा दिया गया है और गांव में कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं निकला है। प्रधान जी का व्यवहार काफी अच्छा है। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं HBN से मनोज कुमार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News। बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।